दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका रवि भारद्वाज फ्रॉम रवि हेयर एंड स्किन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यू हेयर कट, प्रोफेशनल यू हेयर कट कैसे करते हैं। दोस्तों, बड़ा ही आसान तरीका है जिससे मैं आपको करके दिखाऊंगा यू हेयर कट। बेसिकली दोस्तों, यू हेयर कट को हम दो तरीके के साथ करते हैं। या तो हमसे क्लाइंट मांगता है आके कि मेरे को बड़ा डीप यू चाहिए, जहाँ क्लाइंट कहता है कि मुझे नॉर्मल सा यू चाहिए, राइट? अब दोनों तरीके कैसे काटने हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लाइंट को पूछते हैं कि मैडम आपने करवाना क्या है या सर आपने करवाना क्या है, यही पूछते हैं ना। बिकॉज क्लाइंट हमें बताता है कि मेरे ये डिज़ायर है, मैं ये करवाना चाहती हूँ या करवाना चाहता हूँ। तो हमने पहले लिसन करना है, क्लाइंट को लिसन करना है। जब हमने लिसन कर लिया, फिर हमने करना है अंडरस्टैंड। सुनने के बाद हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, देन हमने स्टार्ट करना है क्रिएट करना जो भी हमें क्लाइंट ने बोला है, राइट? और अब हमने क्रिएट करना है। क्रिएट करने से पहले जब क्लाइंट के बाल चेक करने हैं, क्लाइंट के बाल ऑयली हैं तो उसको आपने वॉश करना है। बिकॉज बिना वॉश किए क्लाइंट का कट अच्छा नहीं होएगा। बिकॉज जब भी आप ड्रायर करोगे उसके बाद, तो ड्रायर का जो फ्लो है वो अच्छा नहीं आएगा और क्लाइंट को लगेगा, आप जितना मर्जी अच्छा हेयर कट कर दो, क्लाइंट को कभी नहीं लगेगा कि मेरा हेयर कट अच्छा हुआ है। जब ड्रायर होएगा, बाल क्लीन होएंगे, तो क्लाइंट को दिखेगा जो हमने काम किया है वो हमने दिखाना है। कैसे दिखाना है? ब्लो ड्राई करके, राइट? तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्लाइंट की बात सुननी है, समझनी है, देन क्रिएट करना है। बट फर्स्टली हमने करना है वॉश। शैम्पू कर लिया क्लाइंट का, अब हमारे पास क्लाइंट हमारे चेयर पे बैठ चुके हैं, राइट? तो हमने क्या करना है, उनके बालों में डिटेंगलिंग करनी है। बाल डिटेंगल हो गया, इसके ऊपर सिरम लगाना है, तो फ्लैट ब्रश के साथ आपने डिटेंगल करना है। डिटेंगल करने के बाद दोस्तों, हमने ये करना है बालों के, करने हैं थ्री पार्ट। आपको पता है, आपने जो ये वाला पोर्शन होता है, दोनों आईज के बीच वाला पोर्शन, यहाँ से लेके आपने सीधा पार्ट लेके आना है पिपेट पॉइंट तक, राइट? इससे थोड़ा सा बैक, और फिर आपने सेक्शन निकालना है एयर टू एयर, ठीक है? इसको दोस्तों हम रेडियल सेक्शन भी कहते हैं, इसको एयर टू एयर सेक्शन भी कहते हैं, रेडियल सेक्शन भी कहते हैं, राइट? और रह गया हमारा बैक वाला हेयर, ठीक है? इसको हमने पूरे को लेना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसको कहते हैं रेडियल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियल सेक्शन, राइट? तो दोनों साइडों से हमने निकालना है एयर टू एयर, इस साइड भी एयर टू एयर निकालना है, इस साइड भी एयर टू एयर निकालना है। और ये जो दोनों आईब्रोज है, इसके बीच सेंटर से होते हुए यहाँ तक जो सेक्शन निकालना है, इसको कहते हैं हम प्रोफाइल सेक्शन, ओके? ये बालों की लेंथ है। पहले दोस्तों आपने समझना है, जो हेयर कट है वो तो जस्ट 5 मिनट में हो जाएगा, बट पहले हम उसकी थ्योरी समझ लेते हैं कि क्या करना है हमें। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्लाइंट से पूछना है कि आपने लेंथ कितनी शॉर्ट करानी है। दोस्तों, आपने मिरर में पूछना है ऐसे खड़े होके कि मैडम आपने लेंथ कितनी शॉर्ट करानी है, इतनी करानी है, इतनी करानी है या इतनी करानी है, राइट? आपको क्लाइंट यहाँ पर भी लेंथ कहता है, वहीं पर आपने उतनी ही शॉर्ट करनी है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने लेंथ शॉर्ट कर देनी है। कैसे शॉर्ट करनी है? आपने दोस्तों इस पूरे बालों को, पूरे बालों का सेक्शन लेना है आपने, इसमें कोई पार्टिंग नहीं करनी, राइट? इसमें कोई सब सेक्शन नहीं निकाल लेती है। ये सेंटर से आपने बाल लेने हैं, दोनों सेंटर से। यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैक बोन होती है, उसके ऊपर से हमने बाल उठाने हैं फर्स्ट। ये देखिए, यहाँ से हमने निकाले बाल। और दोस्तों, जितना भी क्लाइंट ने बोला है हमें कि शॉर्ट करना है लेंथ, उतना दोस्तों हमने शॉर्ट कर देना है। दोस्तों, जितना भी क्लाइंट ने बोला है कि लेंथ शॉर्ट करना है, उतना हमने शॉर्ट कर देना है। करना क्या है, इसको हॉरिजॉन्टल कट कर देना, इसको हमने स्ट्रेट काट देना है। स्ट्रेट काट दिया, अब दोस्तों हमने इसके दो हिस्से करने हैं, इन दोनों बालों को हमने डिवाइड कर देना है दो हिस्सों में, इस साइड और इस साइड। और दोस्तों, हमने क्लाइंट के शोल्डर पे आना है, ये शोल्डर है, यहाँ पे आना है क्लाइंट के,
और इन बालों को जो हमने कट किया है, इस बाल को हमने इस शोल्डर पे लेके सपोज करो हमने यहाँ पे कट किया है, तो ये बाल और जो बिल्कुल स्ट्रेट बाल आ रहे हैं ऐसे पकड़ना है आपने, बिल्कुल इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हॉरिजेंटल। दोस्तों जितना भी डीप क्लाइंट ने कराना है उतना आपने करना है, ये नॉर्मल का तरीका है। जस्ट स्लाइड यू बनेगा, राइट, थोड़ा हल्का सा यू, जैसे हमारा जो घड़ी होती है, घड़ी का एंगल होता है गोलाकार, वैसे बनेगा। अगर आपको क्लाइंट ने बोला कि मेरे को डीप यू चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे, इसको पकड़ोगे डायगोनल, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। दो ही तरीके हैं यू करने के, या तो नॉर्मल यू करेंगे या हम डीप यू करेंगे, राइट। डीप यू करेंगे तो आपने क्या करना है, डायगोनल पकड़ना है। अगर नॉर्मल यू करना है तो हमने क्या करना है, स्ट्रेट पकड़ना है, ठीक है। ये वाल ये हमने शॉर्ट किए थे क्लाइंट के, जितनी क्लाइंट ने लेंथ बोली थी, और जो इसके बाल यहाँ पे जो स्ट्रेट पकड़ा है, इन दोनों बालों को हमने आपस में ब्लेंड कर देना है। फर्स्ट क्या करना है, ब्लेंड कर देना है, राइट। अब हमारे पास रह गए ये बाल, ये हमारी बन गई क्या, गाइडलाइन, ओके। और दोस्तों इस साइड से भी हमने थोड़े से बाल उठाने हैं, ये वाले बाल उठाए, ये सेक्शन पूरा, ये देखिए ऐसे सेक्शन उठा लेना आपने, ओके। ये वाला सेक्शन उठाया और देखो इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना है आपने, और जितना बाल ये वाला शॉर्ट किया है उतना ही ये वाला शॉर्ट कर देना है आपने। ये आपकी बन गई गाइडलाइन दोस्तों। विद इन 5 मिनट के अंदर ये हेयर कट होएगा और बिल्कुल सही होएगा, एक्यूरेट होएगा, कोई गलती होएगी नहीं इसमें, ठीक है। काफ़ी प्रोफेशनल तरीका है, बड़ा आसान तरीका है, ये कट कर दिया आपने। अब ये हमारी बन गई गाइडलाइन, ठीक है। इन बालों को ले जाके हमने यहाँ पे इन बालों के साथ ये जो लंबे बाल होंगे इसको ब्लेंड कर देना है दोस्तों। अब मैं आपको करके बताता हूँ, मैंने आपको जस्ट बताया है कि इसको कैसे करना है, ठीक है, अभी मैंने किया नहीं है। अब मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ स्टेप टू स्टेप इसको करना कैसे। तो ये हमने सेंटर से बाल लेने हैं, और मैंने क्लाइंट को पूछा कि मैडम कितने शॉर्ट कराने हैं। जितना भी क्लाइंट बोलता है कि इतने शॉर्ट होने चाहिए मेरे बाल, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट उसको सीधा काट देना है। कैसे काटना है, हॉरिजेंटल, सीधा स्ट्रेट। ये देखिए मैं स्ट्रेट काट रहा हूँ, ये मैंने काट दिया, ओके। ये देखिए अब दोस्तों ये हमारी गाइडलाइन है, ओके। इस गाइडलाइन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक लेफ्ट होएगी एक राइट होएगी। अब हम आएंगे सीधा शोल्डर के ऊपर, इन बालों को ऐसे पार्टिंग करनी है सेंटर से, और शोल्डर के ऊपर आना है हमने। ये देखिए दोस्तों हमारी गाइडलाइन हमें हमारे पास है, ये देखिए ये जो कट की हुई गाइडलाइन है, ये देखिए ये हमारे पास है, ये देखो। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे, और हमारी क्या बन गई, ये सेकंड गाइडलाइन। ये देखिए ये हमने गाइडलाइन बना ली है, और दोस्तों दूसरी साइड से भी हमने बाल लेने हैं। इस साइड से भी हमने बाल ले लेने हैं, और इन बालों को हम थोड़ी थिक ले लेते हैं ताकि पता चल जाए आपको, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा थिक लिया है मैंने गाइडलाइन बनाने के लिए, ये बाल, और जो मैंने इस साइड गाइडलाइन रेडी की थी उसको हम क्या करेंगे, दोनों साइडों को लेके बिल्कुल सेंटर में आएंगे। यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, वहाँ पे आके इसको दोनों बालों को हम, ये देखो ये बाल है जो हमने गाइडलाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंग टू हम इसको काट देंगे। तो ये दोस्तों ये क्या बन गई हमारी गाइडलाइन, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपने, 2 मिनट का काम है। ये देखिए आपने सिर्फ अब ब्लेंडिंग करनी है,
बड़ा आसान सा तरीका है ब्लेंडिंग करने का, ये देखिए ठीक है। शोल्डर पे आके हमने 0 डिग्री के ऊपर आके इन दोनों लाइनों को, इस लाइन और इस लाइन को क्या करना है, हमने ब्लेंड कर देना है। क्या किया हमने, स्ट्रेट काटा है, कुछ नहीं किया अभी। तो क्या होएगा हमारा, ये देखिए जो हम बैक आएंगे तो क्या बनेगा, ये हल्का सा यू बन जाएगा, राइट। ये देखिए ये गाइडलाइन तो बनाई है, बट दोस्तों हमने एक ही कट के अंदर ये सारा कट बना दिया, राइट। अब हम दूसरी साइड चलते हैं, ये देखिए ये दूसरी साइड है। इसको भी हमने क्या करना है, सेंटर से बाल लिए और सेंटर से हमने गाइडलाइन बनाई थी और लेफ्ट साइड भी हमने गाइडलाइन बनाई थी, उनके साथ ये बाल हमने मिक्स कर देने हैं। ये देखिए बड़ा आसान तरीका है दोस्तों, ये देखिए ये हमारे कट हुए हुए बाल हैं जो हमने पीछे गाइडलाइन बनाई थी और ये हमने न्यू गाइडलाइन क्रिएट की थी, उनके साथ हमने क्या करना है, सिर्फ मिक्स कर देना है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों विद इन 2 मिनट ये हेयर कट होता है और बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि बाल कहीं से बड़ा रह गया या छोटा रह गया, कहीं से हम किस एंगल में हेयर कट करें, किस एंगल में फिंगर रखें, सब खत्म। ओके, बहुत आसान तरीका है इसको करने का। दो एंगल में दो जस्ट सीजर लगाने से ये हेयर कट दोस्तों बैक हो चुकी है। अब मैं बताता हूँ आपको फ्रंट कैसे करना है। आपने पहले समझना है फ्रंट के बारे में, फिर हम कट करेंगे। ओके दोस्तों, अब आपने करना है ये जो हमने गाइडलाइन बनाई थी यहाँ पे, जो हमने स्ट्रेट कट किया है इसको पकड़ना है आपने। ये ले लिया आपने, आपके पास गाइडलाइन आपकी बैक की आ गई, ठीक है। और आपने फ्रंट के बाल हैं उनको आपने लेना है और यहीं पे आपने इन दोनों को मिक्स कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मिक्स कर दिया, ये चीज़ मिक्स कर देनी है, जस्ट समझ रहे हो ना आप, इसको आपने जस्ट मिक्स करना है। ये आप मिक्स कर दी और छोड़ दिया आपने। और जो सेंटर के बाल हैं, ये वाले जो बाल हैं, इन बालों को आपने इन दोनों बालों के साथ मिक्स कर देना है। ये देखिए ये बाल लेने हैं आपने, ये देखिए ये बाल हैं बैक और ये है फ्रंट, इन बालों को आपने आपस में मिक्स कर देना है। ये देखिए अब जब हम बैक को आएंगे तो ये अपने आप ब्लेंड होते हुए जाएंगे पीछे। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से पता चले। ये देखिए ठीक है, अब हम दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड कट करते हैं और आपको बताते हैं। ये हमारी एक साइड हो चुकी है, ये है हमारी दूसरी साइड। ओके, और ये बालों को हम खोलते हैं, ऊपर के बालों को ये खोल लिए दोस्तों। इसको कॉम करना है, देखना बस यही ध्यान रखना है कि क्लाइंट की जो नेक है वो प्रॉपर सेट रहे। ये हमने गाइडलाइन ली बैक की, ये बारी हमारी गाइडलाइन है और फ्रंट के बाल लेके हमने यहीं पे शोल्डर पे उसको स्ट्रेट ब्लेंड कर देना है। ये देखो ये कर दिया। ओके, और इन दोनों बालों को जो बीच में बाल हैं, ये वाले बाल हैं, उनको हमने थोड़ा सा बैक के साथ और फ्रंट के साथ इसको ब्लेंड कर देना है, ठीक है। ये देखिए राइट। अब दोस्तों जो जब हम फ्रंट पे आते हैं तो हमने चेक करना होता है कि ये वाली और ये वाली लेंथ सेम है कि नहीं, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहीं से पता चलेगा कि आपका जो कट हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट से आपने एक फिंगर इस साइड, ठीक है, एक फिंगर इस साइड और एक फिंगर इस साइड सेक्शन लेना है, बिल्कुल ऐसे,
ये वाला और ये वाला। और दोस्तों इसको आपने जीरो डिग्री पे स्ट्रेट काट देना है, ओके। अगर बाल बड़े छोटे हुए तो आपको पता चल जाएगा कि बाल किस साइड से हमारा कट शॉर्ट है और किस साइड से लॉन्ग है। वैसे तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है इस कट के अंदर इस तरीके के साथ, अगर आती है तो आपको ऐसे चेक करना है। और दोस्तों जिस साइड भी लंबा हुआ आपका बाल, ठीक है, उसको दोनों साइडों को पहले ब्लेंड करना है, देखना है कि किस साइड आपका लंबा है बाल। अगर इस साइड का लंबा है तो इसको आपने शॉर्ट करके दोनों को बराबर काट के, और अगर इस साइड का लंबा है तो इस साइड लेके आना है बालों को, और उसके साथ आपने इनको ब्लेंड कर देना है, थोड़ा सा डायगोनल फिंगर रख के ब्लेंड कर देना है। ये देखिए ऐसे ब्लेंड करते जाना है आपने। जो बैक के बाल हैं उनको आपने ट्रैवल करने हैं थोड़ा सा फ्रंट के ऊपर, ओके। ये देखिए ऑलमोस्ट सारे बराबर हैं। अगर दिक्कत आती है तो आपको इस तरीके से आप इसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा यू कट करने का तरीका? दोस्तों अगर आपको मेरा कट सिखाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं, बिकॉज जब आपने बेल आइकन दबाया होगा तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।